हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू expertdemo.com। आई एम धीरेंद्र और आज जो हम प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो आपके किचन में एक वैल्यू एडिशन करने वाला है। यूजुअली हम किचन में गैस स्टोव यूज़ करते हैं या माइक्रोवेव यूज़ करते हैं या फिर हम इंडक्शन कुकटॉप यूज़ करते हैं, बट ये प्रोडक्ट उन सब से बहुत डिफरेंट है। अब क्यों चूज़ किया हमने इस प्रोडक्ट को? रीज़न यही है कि सारे प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट है, बहुत ही कॉम्पैक्ट इन साइज़ है, छोटा साइज़ है इसका, कहीं पर भी किचन में हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक से चलने वाला प्रोडक्ट है तो डिपेंडेंसी कई बारी हमारी ऐसी हो जाती है गैस पर कि गैस खत्म और अब हम क्या करें, तो इंडक्शन हमको लेना पड़ता है या फिर हमको माइक्रोवेव रखना पड़ता है, जो कि कंपेयर टू दिस काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी घेरते हैं। तो इसलिए हमने इस प्रोडक्ट को चूज़ किया जिसको हम इलेक्ट्रिक कुकटॉप भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव भी बोल सकते हैं और हम इसको हॉट प्लेट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप ऑनलाइन में सर्च करेंगे या फिर मार्केट में देखेंगे तो हॉट प्लेट के नाम से यूजुअली लोग जानते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल बताते हैं। अगर हम कुकिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट हर तरह की वो कुकिंग जो आप नॉर्मल अप्लायंसेस या कुकिंग अप्लायंस में यूज़ करते हैं, जैसे गैस स्टोव हो गया, इंडक्शन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, तो वो सारे कुकिंग को आप इसमें बड़े आसानी से कर सकते हैं। साइज़ छोटा है, उन सबसे एक्सपेंसिव नहीं है उतना, तो आप रख के एक अल्टरनेट ऑप्शन अपने किचन में रख सकते हैं इस प्रोडक्ट को। फीचर्स की अगर हम बात करें तो डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट है इसका। इसमें भी एक अंदर एलिमेंट लगा होता है, एक हीटिंग कॉइल लगी होती है, बट पूरा कंसील्ड आता है ये। सो कंसील्ड होने का मतलब ये है कि ऊपर से पूरी तरह से ये पैक्ड है, रिस्क एक भी नहीं है, शॉक लगने का भी कोई डर नहीं है इसमें और काफ़ी अच्छी हीटिंग इससे मिलती है। काफ़ी थिक कॉइल इसके ऊपर, थिक जो हीटिंग प्लेट है वो इसके ऊपर लगा होता है और पूरे 1000 वॉट का इसके अंदर कॉइल होता है। तो किसी भी तरह का आप मेटल का जो बर्तन है वो इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे स्टेनलेस स्टील का कोई बर्तन हो तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, नॉनस्टिक के कोई कुकवेयर्स हो आपके पास तो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंडक्शन फ्रेंडली हो चाहे ना हो वो सब इस पे चलेंगे। सो बाकी अप्लायंसेस की जो लिमिटेशन होती है वो इसमें लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है जो वर्सेटाइल है। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मेटल के कोई भी बर्तन हो, किसी भी मेटल के हों, वो चाहे वो एल्यूमिनियम के हों, चाहे वो नॉनस्टिक हो, चाहे वो स्टेनलेस स्टील के हों, वो सारे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से और अच्छी तरीके से हीटिंग मिलेगा, प्रॉपर हीटिंग मिलेगा और एक अल्टरनेट अप्लायंस आपके किचन में इसको आप रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि ये इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, कुकटॉप है, तो इसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल की फैसिलिटी दी गई है। 5 टेम्परेचर के ऑप्शंस दिए गए हैं, आप 1 से लेकर के 5 टेम्परेचर के ऑप्शंस तक इसको अपने सुविधा के अनुसार, जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, जो भी चीज़ कुक कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इस नॉब की मदद से बड़े आसानी से आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म इसके अंदर दिया है जिसकी मदद से ये हो जाता है कि कभी भी ओवरहीट नहीं होगा हमारा, जो भी हम इसमें कुक कर रहे हैं या बर्तन रखा हुआ है, ओवरहीटिंग नहीं होगा, जलने का डर नहीं है, शॉक का डर नहीं होगा। ऑटोमेटिकली ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन की वजह से वो थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली कट ऑफ करेगा टेम्परेचर को और एक सर्टेन टेम्परेचर के लेवल को मेंटेन करके रहेगा। तो सेफ्टी मेजर काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया है। बात करें कि ऊपर की जो टॉप की जो प्लेट है जिसकी, उसमें नॉनस्टिक कोटिंग दिया गया है, कंसील्ड है, पूरी तरह से पैक है, तो आपको जो कुकिंग मिलेगी काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म हीटिंग मिलेगी बर्तन के अंदर, तो कुकिंग जो भी होगी वो अच्छी तरीके से आप इसको इसकी मदद से कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स इस प्रोडक्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है हमारे किचन के लिए एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ कुकिंग। अगर आपका गैस ख़त्म हो जाए या फिर आपका इंडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गया या आपके पास प्रॉपर बर्तन नहीं है इंडक्शन के, तो वो सब सिनेरियो में आप इस प्रोडक्ट को बड़े आसानी से अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। सो जैसा कि देखा कि काफ़ी सारे यूनिक फीचर हैं, साथ ही साथ प्रोडक्ट इतना कॉम्पैक्ट है और पोर्टेबल है, इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप बैठे हैं आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में प्लग इन करना है और आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। अगर फ़ैन भी चल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके कुकिंग में, बड़े ही आसानी से आप इसमें कुक कर सकते हैं, जो कि यूजुअली गैस में तो पॉसिबल नहीं होता, हमको सारे फ़ैन वैन सब बंद करके और फिर हमको कुकिंग करना होती है, तो उस कंडीशन में भी इसको बड़े आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 साल का पूरा वारंटी आता है इस ब्रांड से, जो यूरोमैक्स ब्रांड है, इससे 1 साल का पूरा वारंटी आता है इस प्रोडक्ट का, तो अच्छी तरीके से सेफ है, हम सिक्योर हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के। काफ़ी अच्छा क्वालिटी मेंटेन किया है इन्होंने, जो कलर है एस्थेटिकली वाइट है, तो ऑलमोस्ट हर किचन में अच्छी तरीके से सेट होता है ये कलर। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि स्टोर करना बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत ही छोटे स्पेस में, आई थिंक कुकिंग अप्लायंस में कंपेयर करें तो सबसे कॉम्पैक्ट जो शेप है वो इस प्रोडक्ट का है, तो कहीं पे भी आप इसको बड़े आसानी से रख सकते हैं। जो सामने में अगर देखिए तो एक रेड इंडिकेटर दिया है, जिससे कि हमें ये पता होगा कि ये प्रोडक्ट कब तैयार हो गया है कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, ओवरहीटिंग हो रहा है तो अपने आप बंद हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये सारे मैकेनिज्म हम इस इंडिकेटर की मदद से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि हमारा जो अप्लायंस है हम उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हॉट प्लेट के क्या क्या फीचर्स हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या हो सकता है। अब एक डेमो करके देखते हैं इसमें, सिंपल सी चीज़ें जो हर घर में एवरी डे बनता है, नाश्ते में या ब्रेकफास्ट में। तो हम ऑमलेट बना के इसमें देखते हैं, ऑमलेट का बैटर हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है इसमें, उसमें सारी चीज़ें मिक्स करी हुई हैं और अच्छे से उसको मिला लिया है। अब हम इस बैटर को यूज़ करेंगे इसके अंदर, इतने अच्छे तरीके से हॉट प्लेट में हम
कुक कर सकते हैं खाना, किसी भी तरह का खाना हो। बैटर हमने लिया इसलिए कि फास्ट हो जाएगा, तो हम इसमें देखते हैं डाल के। बैटर हमने इसमें मिलाया हुआ है, नॉनस्टिक पैन रखा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें हम टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने टेम्परेचर अभी फुल में कर दिया 5 में, जिससे कि जल्दी से हो जाए। देखिए ऑमलेट कितना अच्छे तरीके से बन के हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है। अब इस ऑमलेट को हम जरा निकाल लेते हैं प्लेट में। आई होप फ्रेंड्स कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कवर करी और आपको एक्सप्लेन कर पाए। और अभी इस प्रोडक्ट के रिव्यू में, डेमोन्स्ट्रेशन में इतना ही। आगे भी हम इसी तरह का प्रोडक्ट लेकर आएंगे जो कि आपके किचन में, आपके घर में, आपके लाइफ में, हेल्थ में कुछ एक वैल्यू एडिशन करें, जिससे कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।